हेलो जी, सभी को राम राम जी, जय माता दी। और सभी को हमारे परिवार की तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के घर में खूब सारी ढेरों खुशियां आए, सभी की जो भी इच्छाएँ हैं, मनोकामनाएं सभी पूर्ण हो। और हम माता रानी से एक प्रार्थना करेंगे, जो हमारे यूट्यूब परिवार है, ये परिवार और बड़ा हो और इसमें अच्छे अच्छे लोग आए और अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करें, और जिनकी जो भी इच्छाएँ सभी माता रानी पूरी करें, सभी स्वस्थ रहें। और हमारा पूजा वगैरह सब कुछ हो गया है, और हमारा आज फास्टिंग है, और आप लोग बताना किस किसने फास्टिंग किया है। वैसे बहुत लोग मंदिर वगैरह भी जाते हैं पहले दिन, पर हम नहीं जा पाए क्योंकि हमारे बच्चों का स्कूल है, तो हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि बच्चों के स्कूल भेजना, फिर हस्बैंड का लंच वगैरह, फिर बच्चे आ जाए तो नहीं हो पाता है सुबह सुबह। तो हमने घर में ही पूजा की, छोटी सी करी, ज़्यादा कुछ नहीं। मुझे जितना आता है, मैं इतना नहीं कि ज्ञानी हूँ कि मैं ये करूँ वो करूँ, मुझे जितना आता है, जितनी समझ में आती है, मैंने उतना ही पूजा किया है। और बस कहते हैं, आप भगवान को माता रानी कैसे आप मानते हो, कैसे आप उनको उनकी इज्जत करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता है कि आप क्या कर रहे हो, कितना दिखावा कर रहे हो, ये इसको इम्पॉर्टेंट है। मेरे लिए नहीं, मैं दिल से माता रानी को मन से पूजती हूँ और मानती हूँ। और मैं आज से नहीं, मेरे को कभी भी कोई काम अटकता हो या कुछ भी, तो मेरी माता रानी हमेशा हमारे साथ रहती है, हमें कभी भी कोई मुसीबत नहीं आती है। कहते हैं ना, आपको जिस चीज़ें विश्वास हो तो आपको दिल से विश्वास होना चाहिए उस चीज़ों पर। सबसे पहली बात कि अगर विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति होती है, हमने देखा है। और मैं अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को भी यही कहती हूँ कि अगर आपको जिस चीज़ में आस्था हो ना, आप उन्हीं को मानिए। अगर आपको अपने इष्ट में है, अपनी माता रानी में, तो पूरी श्रद्धा से मानना चाहिए किसी चीज़ में। जब आप विश्वास रखोगे ना, तो वो काम आपका निश्चित ही होगा, चाहे आपका कोई काम भी हो। तो इसलिए किसी काम में ना, निष्ठा, लगन और विश्वास, ये बहुत जरूरी होता है। अगर ये नहीं होगी ना, तो आप काम नहीं कर पाओगे। और मैं अपनी माता रानी के प्रति पूरी निष्ठा, लगन और पूरे विश्वास और शिद्दत से अपनी माता रानी को मानती हूँ, पूजती हूँ, और मेरे लिए वो सबसे बड़ी है। मेरे हर दुख सुख, हर घड़ी में मैं उन्हें याद करती हूँ। कभी मैं बैठे रहूँ या कभी कुछ उदास भी होती, तो अपने कभी कभी कोई बातें अपनी माँ से बातें करती हूँ, माता रानी को इससे बताते। कहते हैं ना, उनको बोलने के लिए आपको उनसे बातें बताने नहीं पड़ती, वो खुद बेखुद वो समझ जाती हैं। और किसको क्या देना है ना, यकीन मानिए, वो उसी हिसाब से देती है, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। और किसी को कहना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, पर उनको ना कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बिन कहे ही आपको हर चीज़ दे देती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कब किसको क्या चाहिए होता है ना। तो बस एक छोटी सी वीडियो थी, और आशा करते हैं आप लोगों का व्रत अच्छे से संपूर्ण हो। और वैसे बहुत लोग 9 दिनों का भी रखता है, पर मैं पहले और अष्टमी रखती हूँ, पूरे नहीं रख पाती हूँ। तो आप सभी का व्रत अच्छे से हो, और ये छोटी सी वीडियो बनाई थी, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। एंड बाय बाय।